अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, अ वेरी गुड इवनिंग। आज है संडे का दिन और व्लॉग हो रहा है शाम को शुरू, क्योंकि दो तीन दिन बहुत ज़्यादा हैटिक गए हमारे, बहुत ज़्यादा। आज बॉडी में क्रैम्प्स भी था क्लिनिक से आने के बाद, डॉक्टर साहब आज संडे भी गए थे, ये रहे। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल दिलपतीस एंड फैमिली व्लॉग, स्वागत है आप लोग का। और थोड़ा सा ब्लॉग बनने जरा दो तीन दिन से स्लो हो गए थे, एक्चुअली शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा, कभी यहाँ हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर, ओवरऑल शेड्यूल काफ़ी बिजी रहा और टाइम भी नहीं मिल पाया, थकान हो गई बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट कल नाइट में तो हम लगभग 3:30 बजे के आसपास लौट के आए हैं और सोने का टाइम हो गया तो लगभग 6 बजे। वेरी गुड, इन्हें आज जो खाने बना के लिए आया बाबा पापा। तो मॉर्निंग में 6 o'clock पर फोन आ जाता है, तो वो इमरजेंसी थी, उसको मैनेज करते करते फोन पे एक फोन दो फोन, आज 6 बजे से लेके 9:30 बजे तक 10 बजे तक कंटिन्यूसली एक ना एक फ़ोन 10 मिनट पे आता रहा। ओवरऑल फिर मैं उठ के बैठ गया, मैं समझ गया कि आज जो है नींद पूरी होनी नहीं, तो फिर उसके बाद निकल गए क्लिनिक जाना पड़ा, इमरजेंसी थी, जाके देख के आया। तो फिर दोपहर में भी ऐसे ही रहा, अब वर्कआउट करके आया हूँ, अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा है, संडे इवनिंग है, ऑफ है, तो चलिए फिर आगे देखते हैं अब आज की ब्लॉग में आज और क्या क्या रहता है। आज हम बहुत टाइम के बाद ऐसे शाम को रिलैक्स होके चाय पी रहे हैं, क्योंकि क्लिनिक भागने की जल्दी नहीं, आज इवनिंग ऑफ है और मैं भी अभी इवनिंग में शार लेके आई हूँ। देखिए गर्मी बहुत है, सोचा था बाहर बैठेंगे आज सुकून के साथ चाय पियेंगे, लेकिन गर्मी देख के हम वापस से आज, लेकिन आज हम अयान के रूम में हैं और आज बनाया था मैंने रोस्टेड क्या कहते हैं इसको, चिड़वा मूंगफली के साथ, और चाय थी जो हम पी चुके हैं। एक्चुअली दो दिन जो बेसिकली मैंने अभी बताया बिजी थे हम लोग, वो मेहताब जिसके बारे में डिस्कस हो रही थी उसकी सर्जरी हुई है। लास्ट व्लॉग में मैं आपको पिछले व्लॉग में मैं आपको सारा उसका डिटेल्स दे चुकी हूँ, तो कंटिन्यू। आपने डिटेल दे दी है लास्ट व्लॉग में, ओके। तो खैर वी आर प्रेइंग फॉर हर स्पीडी रिकवरी, जल्दी रिकवर हूँ वो, साथ खैरियत घर वापस आए। और चलिए इस व्लॉग में अब आगे देखें क्या क्या रहता है। आशु मेरा ये बहुत अच्छा बनाता है, कैसे गुगू सही से बैठो, ऐसे नहीं देख रहा गुगू सही से, ऐसे करके ऐसे ऐसे जमा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं और बनी स्टे ट्यून, बहुत सारी दुआएं कर दीजिए उस प्यारी सी बच्ची के लिए, हम पूरी फैमिली काफी ज्यादा टेंस है, अल्लाह पाक उसको स्पीडी रिकवरी कराए, अच्छे से उसको सेहत दे, क्योंकि जान है तो जहान है। और देखते हैं आज क्या व्लॉग बनाते हैं, जो बनेगा आपके साथ शेयर किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। हेलो फ्रेंड्स, आशु का कैक्टस आ गया हेलो करने, चले देखते। तो फ्रेंड्स आज बहुत दिनों के बाद आपको नाइट व्यू मिल रहा होगा हमारे आउटिंग का, थोड़ी तबीयत आज सुबह से ढीली थी, ढीली इसलिए क्योंकि आज सुस्ती बहुत है, बहुत दिन की थकान है, आज को कुछ भी खास कुछ करने का मन नहीं था, खाना वैसे तैयार है पर डॉक्टर साहब ने बोला नहीं, आज बच्चे मुझे पूल भी ले गए थे बोल के, तो मैं मगरिब की नमाज पढ़ के गई थी बच्चों के साथ, आई शारवार लिया, नमाज पढ़ी ईशा की, और अब डॉक्टर साहब जो हैं क्योंकि ये रहे दिख नहीं रहे हैं, अब दिख रहे हैं तो आज हमें ले जा रहे हैं, उन्होंने बोला चलो शानू आज चलते हैं हाँ, एक हमारे पास बकाडू है वो सारी बातें बता देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आउटिंग करने, कुछ आज बने रही है हमारे साथ, आज हम पुराने टाइम याद कर रहे हैं, पहले शायद अयान से पहले जाते थे ना हम लोग, काफी जाते थे उस टाइम, हाँ अयान जब नहीं हुए थे उससे पहले हम लोग जाते थे, मूंगलेट खा के आए, कभी टिक्की खा के आए, कभी कुछ मतलब उसके बाद से आशु एक सेकंड रुकते हैं, और उसके बाद से फिर बिजी हो गए, अयान असद बड़े हो गए तो स्कूल का चक्कर, फिर उस साइड का नहीं, फिर बच्चों के अकॉर्डिंगली जाने लगे, तो आज वापस से उन्ही गलियों में, आप हमारे साथ बने रहिए, क्या क्या कैप्चर करते हैं, कहाँ कहाँ आपको घुमाते हैं, साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल।
जिम बडीज एंड फैमिली व्लॉग। ये देखिए लाइट्स, तिरंगे का कलर। ये देखिए, ये है यहाँ का काफी बड़ा हॉस्पिटल है। आगे वो रहा, देखिए ये देखिए संतोष। इसकी शेप जो है वो शिव जैसी, अगर आप गौर से देखें तो ये देखिए। और ये एक टाइम पे 5-स्टार होटल होता था, जिसको बनवाया था ओम पुरी जी ने, है ना डॉक्टर साहब? इसके ओनर जो थे वो थे ओम, है ना ओम पुरी? तो है ना, क्या बड़े हॉस्पिटल है, इसका बोर्ड भी ओम शिवपुरी, ओम शिवपुरी। ये देखिए, ये डॉन मूवी में अवेलेबल, अभी बन रहा है शायद। अच्छा ओम शिवपुरी बोले ना, ओम पुरी। यहाँ का मार्केट देखिए, सड़क देखिए कितनी पतली दुबली, और इस टाइम तो पतली दुबली इस टाइम तो नाइट है, तो आपको ट्रैफिक ऐसे नहीं मिल रहा है। अदरवाइज दिन में क्या होता है डॉक्टर साहब? पैदल पे ट्रैफिक इतना होता है यहाँ पे, वैसे व्हीकल अंदर ले जाना अलाउड नहीं होता। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, ये कौन सा भंडार है, गजक भंडार। कुछ बैरियर्स होते हैं वो हट जाते हैं, खोल दिए जाते हैं राज नाइट में जाने के लिए, व्हीकल चले जाए। वरना व्हीकल्स नाइट में, दिन में जाते नहीं है, सिर्फ नाइट में जाते हैं। ये देखिए, ये सारा मार्केट अभी बंद है, और वैसे भी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है, 10:10 ऑलमोस्ट, 10:15। एक्चुअली ये जो जहाँ अभी हम थोड़ा चाट पकौड़ी या कुछ स्नैक्स टाइप का आइटम लेने के लिए जहाँ जा रहे हैं, वो लोग आते ही रात में है, पूरा मार्केट बंद होने के बाद में, क्योंकि दिन में तो यहाँ इतनी भीड़ होती है, खड़े होने की जगह भी नहीं होती, लेकिन जब नाइट में पूरा हिस्सा खाली हो जाता है तो वो लोग आके, जैसे आइसक्रीम वाला है यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स लगा के अपना सेल कर लेते हैं। ये दूध की बोतल वाले हैं, हाँ ये दूध की बोतल मिल रही है। और आगे लेफ्ट हैंड साइड पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए रिक्शे वाले के बराबर से, ये आपको यहाँ देखिए सड़क पे बीच में ये लगे हुए दिख रहे होंगे, इसमें बीच में एक और गार्डर लगा होता है, जिसकी वजह से रोक गाड़ी इधर आ नहीं सकती। और इसे कहते हैं चोपला मार्केट, चोपला मंदिर है आपका सामने, ये देखिए, ये पुराना मंदिर है गाजियाबाद का फेमस चोपला। और जो मेरे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो प्लीज आप उसके इस मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। ये चोपला मंदिर है, बहुत अच्छा बड़ा मंदिर है। चले तो आप लोग को, तो यहाँ देखिए सफाई भी हो रही है, और ये लगी हैं दुकानें, ये देखिए, ये और कार रुकी हुई है यहाँ पे, वो देखिए वहाँ कार रुक दीजिए, वहाँ फिर खड़े हो जाएंगे। ये देखिए लाइन से, ये टिकी 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 पानी पूरी टिकी टिकी। तो ये बेसिकली जो है ये स्ट्रीट फूड का एरिया है यहाँ पे, तो लोग शाम के टाइम आप देखिएगा भी बाहर निकल के हम कवर करेंगे, काफी लोग यहाँ स्ट्रीट फूड्स को एंजॉय करने आते हैं। तो चलिए हम लोग भी आज थोड़ा सा कुछ स्ट्रीट फूड में देखते हैं क्या खाए, बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए, ये है कांजी के बड़े दही बड़े, और ये श्री बालाजी चाट भंडा, दही बड़े कांजी बड़े सब मिल जाते हैं यहाँ पे। और देखिए पब्लिक भी है, जलजीरा सोडा सिकंजी पानी के बताशे, बस यहाँ वैसे अब आजकल कम हो गया, वरना पहले पूरा हिस्सा भरा ही रहता था। अब आगे है उधर, तो खैर दिखाता हूँ मैं, वहाँ आगे दूर तक देख सकते हैं आप, वो छोटे 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 लगे हुए। तो ये हम आ गए हैं हाथरस चाट भंडार, ये हमारे बहुत पुराने वाले हैं ये, और इनके यहाँ से हमने बहुत साल खाई है। और देखिए ताज्जुब की बात है, ताज्जुब की बात भी नहीं कहूँगा, वैसे तो इतने साल में आया, तब भी पहचान लिया दूर से, हमने भी पहचान लिया था दूर से। तो ये देखिए टिक्की बन रही है हमारी, ओह।
बहुत ही मजेदार है। तो बन गई है ये जबरदस्त चाट, ये देखिए, ये मेरी दही है, तो दही है तो मुझे खिला दिए, दही तो इसमें मिक्स है, और ये अयानु की, और ये सब हम बैठ के यहाँ पे मजे ले रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त बनी है, फ्लेवर बहुत जबरदस्त है, बहुत मजे की है। आप लोग जब भी आए तो यहाँ आके जरूर एक बार ये वाली टिक्की चेक करें। हाँ आशु, अब आप बोलिए। मुझे बहुत चाहिए, वो आते अंकल से कहते हैं एक बाउल दही का दे दे। एक बाउल दही का दे दूं? बस दही। उनकी तो नमकीन दही है, पर नहीं नमकीन दही, वो तो चीनी नहीं उनके पास, पर ठीक है। मेरे ख्याल से 15-16 साल तो हो गए, 15-16 साल हो गए। और मेरे ख्याल से 12 साल से तो हम देख ही रहे हैं लगभग। आपने नाम कवर कर लिया था? ये नहीं कवर किया होगा। गुप्ता जी मुंगले, मैं नहीं वो करती हूँ। हाँ आशु भैया, कौन सी ली? वनीला। ये आ गई है आशु की वनीला। और ये लेंगे अयान अपनी, कौन सी? इनका आ गया चॉकलेट का, और हमें नहीं मिला, शुगर फ्री नहीं है। ये ले रहे हैं आमरस, जिसकी एक बाइट पहले मैं लूंगी। इन लोगों ने ले लिया है, मुझे नहीं मिला है। क्वालिटी वॉल्स पे खड़े हैं, ये रहे बच्चे, और मैं हल्का सा टेस्ट करूंगी इनके में से। गर्मी के दिन चल रहे हैं तो आम आमरस फ्लेवर भी खानी है तो आम, और ये भी खाने का आमरस, ये बड़ा अच्छा फ्लेवर होता है। बड़ी अच्छी है, राइट, बेहद टेस्टी है, पर मैं खा नहीं सकती, बहुत टेस्टी। वो आ रहे हैं पीछे, हम चल दिए अब अपने घर की तरफ। बोलते रहो। ये देखिए, ये डॉग साहब क्या ले आए हैं, ये ले आए हैं, क्या है, साले चंद पान बंटा, चलो बहरहाल ये है पान। और वैसे हम लोग जनरली नहीं खाते हैं, पर आज इनका मूड कर गया और ये प्रॉपर गुलेरी जैसा इनको लगा। लखनऊ की तो बात यहाँ आ ही नहीं सकती, और ये लखनऊ का तो पान का कुछ भी ए भी नहीं है, पी भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट लेकिन ओवरऑल पान है और मीठा पान है। डॉक्टर साहब को अच्छा लगा, देखें, खाते हैं फिर बताते हैं। खा लिया है पान, अच्छा है पान की क्या शान। अगर मैं इसको रेटिंग देने पर आऊं तो ओके ओके, वो अच्छा नहीं है। लखनऊ तो लखनऊ है भाई साहब, और मियां ने पान दिलाया है। हीरा मंडी देखिए, आगे से भी देखिए, संतोष हॉस्पिटल, ये देखिए। खा लिया है पान, बहुत अच्छा नहीं है पर ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब ने खिलाया, मैंने थोड़ा सा पीस लिया है,
ये रहा पान, ये रहा पान, तो पान की असली में जेली है। तो फ्रेंड्स, एक बहुत अरसे के बाद में एक आज एक संडे की आउटिंग हुई है, जो आज हमने बहुत मतलब एक पुराने स्टाइल वाली करी, वरना वैसे तो पिछले संडे को भी हम कहीं ना कहीं गए थे, तो गए आज पुराने अपना घंटा घर। इनको देख लीजिए, सब दुनिया घंटा घर पे खाकर आई, आकर ये ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड बटर। तो हम लोग बाहर गए, आज टिक्की खाई, मूंगलेट खाया और आइसक्रीम खाई, पान खाया, और ओवरऑल जो है शाम को आज हमने बड़ा अच्छा एंजॉय किया। मतलब वीडियो शायद हो सकता है थोड़ा सा आज अंधेरे में होंगे, क्योंकि वहाँ लाइटिंग वगैरह जो है वो उतनी बढ़िया नहीं थी। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि इनको तो बिल्कुल ही हैबिट नहीं है, इनको वहाँ पे स्मेल आ रही थी, इनको वहाँ मजा नहीं आने, तुमने भी कहा था इनको मजा नहीं आ रहा था। ये जो हम लोग अपने बच्चों को मॉल्स में, एसी में और पिज्जा में, इन सब में फंसा रहे हैं ना, इंक्लूडिंग मी, मैं तो वैसे नहीं चाहती हूँ, पर बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि इनको टिक्की नहीं समझ में आ रही, मूंगलेट, वो बाजार, इनको गर्मी, कार की कीज दे दीजिए, मैं अंदर बैठ जाऊँ, ये एसी चला लूंगा। हाँ, तो बच्चे हमारे भी बेकार हो गए, एसी वाले हो गए, एंजॉय नहीं कर पाते पूरी तरीके से, फिर भी आज ठीक था। ओके ओके, शाम को हम लोग आज पूल भी गए थे, पूल में तो आज हमने बहुत मजा किया था। आज मैंने सेवन राउंड्स खाए। एक चीज बोलना भूल गए, टिक्की। हाँ, टिक्की, टिक्की, लेकिन पापा ने टिक्की बोल दी थी आज, इन्होंने सुनी नहीं थी। ओके, चलो, मोहर, यू नो, मोहर लगनी, मोहर लगनी जरूरी है। आशु ने कह दिया टिक्की भी खाई थी, तो टिक्की भी खाई थी, और इसने कोल्ड ड्रिंक पी थी, अभी मैं भी बताऊंगा फिर। हाँ, इसने फैंटा पी थी और इसने भी फैंटा पी थी, और हम दोनों ने पिया था पानी, जल, जल। खैर, ओवरऑल आज का दिन बहुत अच्छा रहा, होप सो आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। एक आप लोगों से गुजारिश रहेगी, हम लोग बच्चों को बाहर ले गए, आउटिंग भी करी, पर अभी ना थोड़ा सा स्ट्रेस है, स्पेशली मेहताब के लिए मुझे बहुत स्ट्रेस है, बेशक बहुत, और प्लीज आप लोग दुआ करें कि वो जल्दी बच्ची ठीक हो जाए। और मेहताब खाला मिस यू, खाला चाहती है तू साफ खैरियत के अपने घर में आए, और इंशाल्लाह बहुत अच्छी जिंदगी तू जिए। चलिए, इसी के साथ आज का ये व्लॉग फिनिश करते हैं, आप सब भी दुआ करिए कि जल्दी से मेहताब ठीक होकर घर आ जाए, और इसी के साथ बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, शबा शबा खैर।